क्रिमिनलोजी इज़ द पार्ट ऑफ सोशल साइंसेज और हमें पता है कि जैसे हम दूसरी सोशल साइंसेज में रिसर्च के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए नॉलेज जनरेट करते हैं तो क्रिमिनलॉजी में भी उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा हम नॉलेज सोशोलॉजी से भारो करते हैं या अदर सोशल साइंसेज और पार्टिकुलरली रिसर्च मैथडोलोजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो सोशलॉजिकल मीन से आ रहे हैं और जैसा कि आप सब के नॉलेज में है कि सोशोलॉजी इज़ द सब क्रिमिनोलॉजी इज द सब ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी और इसका औरिजन जो है वो सोशोलॉजिस्ट ने ही किया है तो इसलिए हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो है जो इस्तेमाल करते हैं वो सोशोलॉजी से आ रहे हैं आ, उसमें मैथडोलोजी भी है और उसमें मैथड्स भी हैं मैथडोलोजी में हम आ, आ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया ऑनटोलॉजी एंड द पस्टोमोजिकल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च लेते हैं और मेथड्स में व्हाट इज़ द मटेरियल प्रोसेस टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन टेक्निक फ़ॉर डाटा कलेक्शन टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस टेक्निक फॉर डाटा एनालिसिस आपको रिसर्च के प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी ऑब्ज़र्वेशन क्या हैं क्या वो पार्टिसिपेटरी ऑब्ज़र्वेशन है या नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्ज़र्वेशन है कौन सी ऑब्ज़र्वेशन जो वो है वो ज़्यादा रिलायेबल हैं कौन सी अब नाइफ हैं तो हमें ये सारा कुछ जो है वो रिसर्च के प्रोसेस के अंदर और रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं आ, रिसर्च मेथडोलॉजी जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे वो हमें हेल्प आउट करेगी कि किस तरह की क्राइम की काजेशन या काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लॉजिकली लॉजिकल वेज़ में या सोशलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स या क्रिमिनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए हम इस्टेबलिश कर सकते हैं आ, इसके अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाट इज़ द नेचर ऑफ़ क्राइम और उसको हम क्रिमिनोलॉजिकल परस्पेक्टिव में इंटरप्रेट करने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है विच इज़ मोर क्लोज दी सोशल रियलिटी और क्रिमिनोलॉजिकल रियलिटी रिसर्च मैथडोलॉजी हमें ये भी हेल्प करेगी कि हम क्राइम uh, डेवियंस और इसके रिलेशन विद द सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकें कि जब टूल्स एंड टेक्निक्स हम सामने रखेंगे मिसाल के तौर पे किसी जगह पे अगर अलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है तो हो सकता है कि उसके लिए हमें डिफरेंट टूल यानी क्राइम के लिए भी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होंगे और फिर उसको स्टडी करने के लिए क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्राइम की टेपोलॉजी uh, डेवलप करने के लिए उसके पैटर्न को डेवलप करने के लिए उसकी नेचर एंड इंटेंशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे जो कि हमें क्लासिकल रिसर्च मैथडोलोजी से नहीं मिलेंगे और उस टूल्स को फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए और फिट टू दी एग्जिस्टिंग रियलिटी होना चाहिए जब तक वो उस रियलिटी को प्रॉपरली ग्रेस्प नहीं कर सकेंगे उससे हम प्रॉपर नॉलेज जनरेट नहीं कर सकेंगे आ, इसी तरह से सोशल ऑर्डर किसी एक सोसाइटी में रिलेटिवली ज़्यादा होता है कहीं पे लो सोशल ऑर्डर होता है और कहीं पे अन्ारकी होती है या आ, विद रेफरेंस टू अगर हम डरक़यम कहें तो अनामी होती है आ, और अगर हम उसे लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो अनार होती है तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उसके अंदर क्राइम अगर हो रहा है तो हर एक सिचुएशन में हमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए ताकि हम वहाँ से नॉलेज जनरेट कर सकें और उसको क्लासीफाई कर सकें उसको इंटरप्रेट कर सकें और इंटरप्रटेशन क्या वो हारमोनिस्टिक है क्या वो हमारी पॉजिटिविस्ट इंटरप्रटेशन है क्या वो क्रिटिकल है क्या वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में है क्या वो फेमनिस्ट है या वो पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रटेशन है आ, तो हमें रिसर्च मैथडॉलोजी थ्रू आउट गाइड करेगी कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हमने यूज़ करने हैं कौन से हमने मैथड सामने रखने हैं जिनको यूज़ करते हुए हम नॉलेज जनरेट कर सकें और हम उसकी नॉलेज की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी देख सकें कहाँ पर उसके अंदर वीकनेसेस हैं कहाँ हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कौन से मैथड्स जो हैं उनको री कंसिडर करने की ज़रूरत है और कहाँ हमें ये जहन में रखना है कि कौन से टूल्स के लिए क्या टेक्निक ज़्यादा बेहतर होगी क्या हमने फेस टू फ़ेस इंटरव्यूज़ लेने हैं या हमने क्वेश्चन के थ्रू कोई चीज़ इंफॉर्मेशन लेनी है। अब ये जहन में रखिएगा कि ज़्यादातर हम क्वेश्चन के थ्रू हमें जो डाटा आएगा वो क्रिमिनोलोजिकल रिसर्च में वैलिड नहीं है उसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चन है हाँ अलबत्त फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ होंगे तो हम उसको जब सामने एक, 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 एक एक्टर को देख रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या ये टूल्स एंड टेक्निक्स प्रॉपर्टी हैं या नहीं